अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं तो शायद आपको इस बात की बहुत चिंता होती होगी कि इससे जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है वो कितना बुरा हो सकता है। लेकिन आज जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया हूँ, शायद थोड़े समय के लिए ही, लेकिन एक संतोष आपको हो कि आप जो धूम्रपान कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपको कोई फायदा भी हो। लेकिन प्लीज इस वीडियो के देखने के बाद आप ये मत सोचिए कि धूम्रपान करने से तो फायदा ही हो रहा है और आप और धूम्रपान बढ़ा दीजिए, या अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप धूम्रपान सेवन करना शुरू कर दें। प्लीज ये डिस्क्लेमर है, ऐसा मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नमस्ते फ्रांस। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक न्यूज बताने वाला हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि निकोटीन का सेवन करने से कोरोना से बचा जा सकता है, निकोटीन के सेवन से कोरोना का इलाज हो सकता है। ये शोध फ्रांस से ही प्रकाशित हुई है, पेरिस के एक हॉस्पिटल में। इस न्यूज पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ आज। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रांस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। साथ ही आप आगे क्या जानना चाहते हैं फ्रांस के बारे में, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं फ्रेंच वर्ड्स लेकर आया हूँ जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में मिलेंगे, प्लीज आप उसको मिस मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज के बारे में बताता हूँ। ये न्यूज दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक हॉस्पिटल से प्रकाशित हुई है और ये एक शोध चल रहा था इस हॉस्पिटल में। और इस शोध में इन्होंने लगभग 500 मरीजों पे ये शोध किया, 500 जो कोरोना के पेशेंट थे। उन 500 में से जब इन्होंने पता किया तो उसमें से केवल 5% लोग स्मोकर थे, 5% लोग धूम्रपान का सेवन करते थे। और जो पूरे फ्रांस में धूम्रपान करने वाले लोगों की, जो स्मोकर्स की जो परसेंटेज है वो लगभग 35% है। तो ये जो सैंपल डेटा है इस पे ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर धूम्रपान करने वालों का परसेंटेज 35% है तो उसी रेशियो में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों का भी परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम आ रहा है। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि शायद जो कुछ लोग स्मोकर्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी WHO ने एक शोध प्रकाशित किया था अपना, एक मैगजीन है न्यू इंग्लैंड ऑफ मेडिसिन। इस मैगजीन के हवाले से इसमें ये बताया गया था कि चाइना में 1,000 पेशेंट्स पे शोध की गई थी और उनके बारे में जब उनकी हिस्ट्री निकाली गई तो उन 1,000 लोगों में से केवल 12.5% ऐसे लोग थे जो स्मोकर थे, जो धूम्रपान का सेवन करते थे, जो निकोटीन का सेवन करते थे। और जो चाइना में पूरी पॉपुलेशन है उसके 26% लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं। वहां भी जो डेटा निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि जो धूम्रपान करने वाले हैं वो थोड़े कम संक्रमित हो रहे हैं कोरोना वायरस से। थोड़ा सा ये समझना कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह से ये इस डेटा के माध्यम से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी देश में 1,000 लोग रहते हैं और उसमें से 400 लोग स्मोकिंग करते हैं, 400 लोग निकोटीन का सेवन करते हैं। तो अब अगर इस 1,000 की पॉपुलेशन में से मान लीजिए कि 600 लोग संक्रमित हुए कोरोना वायरस से, तो इस 600 में से लगभग 5% अर्थात 30 लोग ऐसे थे जो धूम्रपान का सेवन करते थे। तो आप अगर इस पूरे डेटा को देखिए तो 1,000 में से 600 लोग जो संक्रमित हुए उसमें से केवल 30 लोग ऐसे थे जो स्मोकर्स थे, जो बाकी के 95% यानी 570 लोग थे वो नॉन स्मोकर्स थे। तो इस तरह के डेटा को वो देख के उनको ऐसा लग रहा है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो ये निकोटीन है वो उनको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा रहा है। ये तो रहे डेटा और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो आई है उभर के, लेकिन ये केवल डेटा के आधार पे नहीं है, इसके साथ साथ ही डॉक्टर्स इसके पीछे एक मेडिकल थियरी भी दे रहे हैं कि निकोटीन से कैसे ये संभव है कि कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो रहा हो या इससे बचा। इस थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वायरस कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे हमारे बॉडी में स्प्रेड होता है।
तो ये हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं और उस सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आप समझ लीजिए कि सेल्स में एक ओपनिंग है, एक गेटवे की तरह है, डोर की तरह है, जिसमें ये वायरस इंटर करता है। तो अब ये रिसेप्टर्स में ये इंटर करके और पूरे बॉडी को फिर बाकी सेल्स में ये इम्पैक्ट करता है। निकोटीन क्या करता है, अगर किसी ने निकोटीन का सेवन किया हुआ है तो ये निकोटीन इन सेल्स के रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाता है और ये जो ओपनिंग है या गेट है ये बंद हो जाता है। इससे कोई भी कोई इससे जो ये कोरोना वायरस है वो उस सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है। और ये एक मेडिकल थ्योरी है कि निकोटीन का सेवन करने से ये पॉसिबल है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों में ना हो या बहुत कम हो रहा हो। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट या हेल्थ अथॉरिटीज जो हैं उनसे ये अप्रूवल मांगा है कि हम इसका जो एक्सपेरिमेंट है या जो रिसर्च है इसको और आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए इन्होंने ये अप्रूवल मांगा है कि वो वहाँ के इसी हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स पे या नर्सेज या जो भी मेडिकल स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उनके ऊपर ये प्रयोग करेंगे। उनको बेसिकली ये निकोटीन के पैचेस मिलते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई करेंगे और फिर इसका प्रभाव चेक करेंगे कि क्या निकोटीन के पैचेस लगाने के बाद इनके अंदर अगर किसी को पहले से संक्रमण है तो कोई उनमें सुधार आ रहा है, या अगर कोई इम्पेक्टेड नहीं है तो उसके लिए ये रोकथाम की तरह काम कर रहा है कि नहीं। साथ ही जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, पेशेंट्स हैं ऑलरेडी कोरोना वायरस के, उनके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं। इवन जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं उनके ऊपर भी ये निकोटीन पैचेस अप्लाई करके ये इसका प्रभाव देखना चाहते हैं। तो ये एक अप्रूवल पेंडिंग है जो लास्ट आज मैं अभी न्यूज़ देखा था, आज 25 अप्रैल को। तब तक अभी मुझे नहीं पता कि अप्रूवल पे क्या अपडेट था, लेकिन ये कल 24 अप्रैल की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से इन्होंने अप्रूवल मांगा हुआ है। देखेंगे इसके अप्रूवल के बाद ये क्या होता है, अप्रूवल मिलता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर आगे इसके क्या रिजल्ट आते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, डॉक्टर्स ये इस पे रिसर्च तो कर रहे हैं कि निकोटीन कितना प्रभावकारी है या हो सकता है कोरोना वायरस के इलाज के लिए या इसके रोकथाम के लिए, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये सोचकर निकोटीन का सेवन आप मत स्टार्ट कीजिए, या अगर आप कर रहे हैं तो उसको मत बढ़ाइए। धूम्रपान अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज आप इसको मत स्टार्ट कीजिए ये सोचकर कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं या आप इससे आपका इलाज हो सकता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। डॉक्टर्स ने भी यही रिकमेंड किया है कि अभी तक इस पे कोई कि अभी तक एक तो कंफर्मेशन नहीं है और दूसरा कि जो धूम्रपान करने के जो नुकसान है उसको बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। मैं बता दूं आपको कि अकेले फ्रांस में 75,000 हर साल लोगों की जान जाती है धूम्रपान की वजह से, और पूरी दुनिया में लाखों लोग हर महीने मारे जाते हैं धूम्रपान के सेवन की वजह से। तो आप प्लीज ये सोचकर कि चलो अब तो निकोटीन या धूम्रपान के सेवन से बचा जा सकता है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत आप कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसमें मैं आपको जो एक लास्ट अपडेट है वो बता दूं कि जैसे ही ये रिसर्च सामने आई है फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन जो भी बिकने वाले निकोटीन पैचेस हैं या निकोटीन टैबलेट्स हैं वो पूरी तरह से फिलहाल के लिए बैन कर दिया है। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन या दूसरे और भी वेबसाइट्स हैं उन पे ये ऑनलाइन सेल होती है, इनकी इनकी बिक्री होती है, उसको फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स में भी निकोटीन की सेल को लिमिट कर दिया है, बहुत सीमित मात्रा में ही वहाँ पे उपलब्ध है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांस में अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस से और लगभग 1,60,000 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये रही दोस्तों ये निकोटीन से कोरोना वायरस के इलाज पर जो मैं खबर आपको देना चाहता था, ये खबर रही। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी भाग में जिसमें मैं आपको दो फ्रेंच वर्ड्स बताऊंगा। तो आज का पहला फ्रेंच वर्ड है रेंदेवू। रेंदेवू मतलब होता है अपॉइंटमेंट। आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो जैसे आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये रेंदेवू वर्ड का मतलब है अपॉइंटमेंट।
आपने शायद पहले ये सुना भी होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है और भी भाषाओं में बहुत यूज होता है, फिल्म भी बनी है इस नाम पे। दूसरा वर्ड है सिल्वुप्ले। सिल्वुप्ले का मतलब होता है प्लीज, कृपया, आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, प्लीज बोलते हैं उसको फ्रेंच में हम बोलते हैं सिल्वुप्ले। सिल्वुप्ले के साथ साथ इसका एक दूसरा वर्धन भी है सिल्तुप्ले। सिल्वुप्ले और सिल्तुप्ले में यही डिफरेंस है, जैसे आप किसी को आप करके संबोधन करते हैं और किसी को तुम करके संबोधन करते हैं। तो जिसको आपका संबोधन करेंगे उसके लिए आप सिल्वुप्ले बोलेंगे, और जिसको आप तुम का संबोधन करेंगे उसके लिए आप सिल्तुप्ले बोल सकते हैं। मतलब आप अपने फ्रेंड्स को और आप अपने रिलेटिव को जिसको अच्छे से जानते हैं उनको आप सिल्तुप्ले बोलेंगे, लेकिन अगर कोई नया है आप थोड़ा सा मान दिखाना चाहते हैं, फॉर्मल तरीके से बात करना चाहते हैं, तो आप उसको सिल्वुप्ले बोलेंगे। तो ये रहा दोस्तों दो फ्रेंच वर्ड, और इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है यहाँ पे। इसको देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही अगले वीडियो और अगले फ्रेंच वर्ड के साथ मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सेफ रहिए।